आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question given is, let A is equal to 4 divided by 3 divided by 3 divided by 4. B equals to 4 divided by 3 divided by 3 divided by 4. C equals to 4 divided by 3 divided by 3 divided by 4. तो पहले हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो है 4 divided by 3 divided by 3 divided by 4. That is 4 by 3 divided by 3 divided by 4. तो हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 by 3 इंटू 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 4, ये कैंसिल आउट हो और ये 1 बाई 9 के इक्वल आया। अब b की वैल्यू देखते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 बाई 3 डिवाइड बाई 4, दैट इज 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1 बाई 4, ये कैंसिल आउट हो और ये 1 के इक्वल आ गया। अब अगर देखें c, तो ये हमें गिवन है 4 divided by 3 divided by 3 divided by 4, that means ये आएगा 4 divided by 3 divided by 3 by 4, that is 4 into 1 by 3 into 4 by 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें 16 by 9 के इक्वल है, तो अगर हम देखें हमें पता है 16 by 9 is greater than 1 is greater than 1 by 9, तो हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम है सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।